रबीउल अव्वल का महीना मुबारक हो। खैर मुबारक। आपको भी खैर मुबारक हो। थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहना खैर मुबारक। थोड़ा सा और खैर मुबारक हो। ये हुई ना बात। गुलाम रसूल भाई, आपको पता है जिसने ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में कल हमने अपने घर पे महफिल मिलाद रखी है, उसमें आपको जरूर आना है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है सारे आलम में, ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह। सुभानल्लाह। मैं अभी लवई का महीना क्या आता है, मौसम में बाहर आ जाता है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, उस वक्त हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा के मकान रहमत निशान से एक ऐसा नूर चमका जिसने सारे आलम को जगमग जगमग कर दिया। सुभानअल्लाह। खाने काबा झूमने लगा और हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने तीन झंडे लगाए। गुलाम रसूल भाई, कल के बयान के बारे में कुछ सवालात हैं, पूछ सकता हूँ? जी जी पूछे। अच्छा, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने झंडे कहाँ लगाए? एक मस्जिद में, एक मग़रिब में और एक खाना काबा की छत पर। सुभान अल्लाह। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 रबीउल अव्वल को विलादत हुई, तो हमें यह अजीम दिन किस तरह मनाना चाहिए? फैजान भाई, इस दिन के बारे में अमीर रसूल फरमाते हैं, ये दिन हमें अकीदत और एहतराम से मनाना चाहिए, खूब खूब सदका करना चाहिए, नियाज़ो फातिहा करनी चाहिए और कसरत से तिलावत कुरान पाक करनी चाहिए, और हाँ, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। प्यारे मदनी मुन्नो और मदनी मुन्नियो, अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं, हमें अपने घर पर कम से कम 12 झंडे लगाने चाहिए और इसके साथ साथ अपनी मोटरसाइकिल और गाड़ी पर भी एक झंडा लगाना चाहिए। फूले नहीं समाते अत्तार आज तो, दुनिया में आज हम ये अत्तार आ गए।